हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बड़ा ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो हम लोग बीपीएससी टीचर के लिए 3.0 या 4.0 की बात करें तो उसी के लिए हम लोग टोटल कहें तो संपूर्ण ज्योग्राफी, जो भारत का जो इंडियन ज्योग्राफी है, हम लोग उसी को पार्ट बाय पार्ट करेंगे और वहीं पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और जहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनता है ना, और ये सारा का सारा निचोड़ आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ही मिलेगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ही आपको मिलेगा। ठीक है, और जो भी एकदम एग्ज़ाम के व्यू से ही ये मटेरियल खुद ऑलरेडी बनाया गया है। तो हम लोग भारत का जो ज्योग्राफी है उसमें हम लोग प्रमुख जो बंदरगाह है उस बंदरगाह को करेंगे, क्योंकि वन लाइनर में बंदरगाह अगर पूछे तो कांडला बंदरगाह, मर्मागू वहाँ बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछा जाता। अब जो प्रश्न पूछा जाता है उसी तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, 10 किताब पढ़ने से बेहतर है एक ही किताब पढ़िए, एनसीईआरटी की किताबें हो जाए या एससीईआरटी, है ना, सर्वशिक्षा समग्र जो है बिहार सरकार के द्वारा जो 6, 7, 8, 9, 10th की जो किताबें हैं, महत्वपूर्ण किताब है। अगर इसे आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम है और बीपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, ये भी आप आराम से फाइट कर जाते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि जब तक आप सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल होगा फाइट करना। मेरा यही उद्देश्य होता है कि कम से कम सिलेबस को एक बार पढ़ लीजिए। अगर सिलेबस आप कंप्लीट करके जाते हैं तो आप निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे और आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग देखेंगे कांडला बंदरगाह, ये कांडला बंदरगाह देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगर भारत का मैप अगर आपके पास होगा, है ना, भारत का मैप अगर होगा तो देखिएगा, यहीं पर ये गुजरात का क्षेत्र होता है ना, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में यह स्थित है कांडला बंदरगाह। प्रश्न क्या पूछेगा तो स्वतंत्र भारत का यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा और पहला जो है पहला बंदरगाह है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का, देखिए ठीक से, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बंदरगाह है और इसका जो नाम है ना, नाम वर्तमान में क्या रखा गया, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना। कांडला बंदरगाह का नाम बदल गया है, वर्तमान में क्या नाम है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो जाएगा, है ना, ये हो जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह हो जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और यह ज्वारीय बंदरगाह है, अगर प्रश्न बने तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बन सकता है ना। तो यह जो कांडला बंदरगाह है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है ना। ज्वारीय क्या है, बंदरगाह हो जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और भारत का सबसे पहला सेज क्षेत्र वाला बंदरगाह हो जाता है, भारत का सबसे पहला सेज क्षेत्र वाला क्या हो जाता है, बंदरगाह हो जाता है ना। यह जो बंदरगाह देख रहे हैं, कांडला जो बंदरगाह देख रहे हैं, यह टैक्स फ्री बंदरगाह है, टैक्स फ्री बंदरगाह है। हालांकि अगर देखा जाए तो कांडला जो बंदरगाह है भारत का पूर्ण रूप से इस पर नियंत्रण है ना, और यह कच्छ की खाड़ी में है। देखिए, एकमात्र बंदरगाह जहां पर सिर्फ आयात होता है, ये पूछा जा सकता है, VVIA। ठीक है, कांडला बंदरगाह हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह कहाँ हो जाता है, गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बहुत सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे मुंबई बंदरगाह, है ना, मुंबई बंदरगाह देखेंगे। इस मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इस मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आयात निर्यात सबसे अधिक होता है, इस मुंबई
बंदरगाह पर आया तो निर्यात सबसे अधिक होता है। यही वजह है कि इस बंदरगाह को सबसे व्यस्ततम बंदरगाह के रूप में हम लोग जानते हैं, सबसे बिजी बंदरगाह है ये। और भारत का कुल आयात और निर्यात लगभग 20% ये स्वयं अकेला करता है, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, अकेला 20% आयात निर्यात का खुद यह भार सहन करता है, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, और यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ये आपके लिए बहुत ही VVI है। यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हो जाता है, कौन सा बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मझगांव शिपगार्ड है ना, यहाँ पे देखिएगा मझगांव डाक से प्यार है जो, और यहाँ पे बहुत सारे घाट भी बने हुए हैं, जैसे विक्टोरिया घाट यहीं पे बना हुआ है, प्रिंस घाट भी यहीं पे है और इंदिरा घाट भी यहीं पे है। पूछा जा सकता है कि विक्टोरिया घाट किस बंदरगाह पे बना हुआ है ना, तो ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, देखिए यहाँ से एक दो ही है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। अगला सवाल होता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन हो जाएगा, तो मुंबई बंदरगाह हो जाता है ना। और सबसे अधिक ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक आयात और निर्यात किस बंदरगाह पे होता है, तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। अकेले 20% यहाँ पे इसका आयात निर्यात होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, एक है मार्मा गोवा बंदरगाह है ना, मार्मा गोवा बंदरगाह हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग देखिएगा तो ये हमारा इंडिया हो जाएगा, ये गुजरात का क्षेत्र होगा और ये हो जाता है महाराष्ट्र का, और इसी के बीच में है ना, ये एक गोवा छोटा सा एक राज्य है गोवा, और यहीं पे एक बंदरगाह है ना, जिसको हम लोग मार्मा गोवा बंदरगाह कहते हैं, मार्मा गोवा बंदरगाह कहते हैं। और यहीं पे एक नदी है जिसका नाम है जुआरी नदी है ना, और ये जुआरी नदी भ्रंस रिफ्ट एस्चुरी और ज्वार नद मुखी हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि इटली को शीशे के सामान और लोहे का निर्यात करता है ना, इटली को करता है, कौन सा, मार्मा गोवा बंदरगाह। अगला देखिए, कहा जाता है कि न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पे है, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है यहाँ से देखिएगा, ये कर्नाटक का क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाएगा कर्नाटक का क्षेत्र है ना, और ये न्यू मंगलोर बंदरगाह है। और यह जो बंदरगाह है लोहे के अयस्क के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, लोहे के अयस्क के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है न्यू मंगलोर। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, आगे नहवा शोवा हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नहवा शोवा किस प्रकार का बंदरगाह है, तो मानव निर्मित बंदरगाह हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है बहुत VVI है, नहवा शोवा को मानव निर्मित बंदरगाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसका एक नाम है अरब का राजा के नाम से इसको संबोधित किया जाता है, नहवा शोवा को अरब का राजा कहा जाता है, और वर्तमान में इसका नाम पंडित नेहरू बंदरगाह रखा गया है ना। इसका वर्तमान में नाम देखेंगे तो पंडित नेहरू हो जाएगा नहवा शोवा का। और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है ये, और ये जो बंदरगाह है मुंबई का सहायक बंदरगाह हो जाता है, क्योंकि मुंबई बंदरगाह पे थोड़ा ज़्यादा लोड ना हो है ना, इसीलिए इसका सहायक बंदरगाह नहवा शोवा को बनाया गया। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि अरब का राजा किस बंदरगाह को कहा जाता है ना, अरब का राजा किसको कहा जाता है, तो ये नहवा शोवा हो जाएगा। मानव के द्वारा, इंसानों के द्वारा कौन सा बंदरगाह का निर्माण किया गया, तो यही नहवा शोवा हो जाएगा है ना। वर्तमान में इसका नाम क्या रखा गया, तो पंडित नेहरू बंदरगाह रखा गया। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और ये मुंबई का सहायक बंदरगाह हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं कोची है ना, कोची बंदरगाह देखते हैं। एकदम बिना बकवास किए हुए हम लोग सिर्फ पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं है, एकदम टाइम नहीं है। जितना रिवीजन हो सके, जितना सिलेबस का रिवीजन कर लीजिए, यही आपको एक बार में फाइट कराएगा। हमारे सबसे पहले वाले जो विद्यार्थी थे वो लोग एक बार में फाइट किया, बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 से 12 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो 10 से 12 घंटा की तैयारी बहुत ज़्यादा होती है ना।
लेकिन 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है एक सटीक किताबें पढ़िए और बार बार पढ़िए। अगर एक सटीक जो किताबें आप पढ़ते हैं बार बार, यही रिजल्ट दिलवाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये हमारा हो जाता है इंडिया, है ना, और यही जो क्षेत्र है जो देख रहे हैं यह केरल का क्षेत्र होता है ना, यही क्षेत्र है, यही एक राज्य है, केरल का राज्य है, ठीक है। और ये कोची जो बंदरगाह है, इसका जो उपनाम है, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो VBI है उसको ज़रूर आप लोग याद रखिए, ज़ुबानी याद रखिए, ऐसे प्रश्न कॉमन होते हैं, सभी को याद रखना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। और कोची बंदरगाह जो है यह कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, ये सबसे बड़ा शिपयार्ड है भारत का। सवाल ये है भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है, कोची बंदरगाह, जो केरल में स्थित है, जिसको हम लोग अरब सागर की रानी से भी जानते हैं। कोची बंदरगाह के निकट एक झील है जिसको वेम्बनाद झील बोलते हैं, यह पूछा जाता है। और यहीं पे ये कोची जो बंदरगाह है यहीं पे सटा हुआ है, जिसको हम लोग वेम्बनाद, है ना, वेम्बनाद झील बोलते हैं। पूछा जाता है वेम्बनाद झील कहाँ स्थित है, केरल में, ठीक है। और वेम्बनाद झील के पास देखिए यहीं सटा हुआ है, वेम्बनाद झील के पास कौन सा, कोची बंदरगाह, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है तूतीकोरिन बंदरगाह, अगला हो जाता है हम लोग का तूतीकोरिन बंदरगाह हो जाता है, ठीक है। और तूतीकोरिन बंदरगाह यहाँ पे देखेंगे, है ना, देखिए राज्य जितना है हम लोग का, अगर राज्य आप मैप में बार अच्छा से देखते हैं, है ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएगा, है ना। मैप रखना चाहिए पूरे भारत का, विश्व का, पॉलिटिकल, फिजिकल, और बिहार का भी रखना चाहिए, ताकि आपका पढ़ाई और आसान हो जाए। देखिए तूतीकोरिन जो बंदरगाह है यह तमिलनाडु में स्थित है, है ना। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है, तो यही क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, यही क्षेत्र जो है यह तमिलनाडु का है, है ना, यही क्षेत्र है आपके तमिलनाडु का। और यही कहता है कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। कहा जा रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है यह, सबसे दक्षिणतम बंदरगाह भारत का। सवाल क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है ये, है ना। इसका नाम बदल के क्या रखा गया, तब बीओ चिदंबनारा बंदरगाह रखा गया, बीओ चिदंबनारा बंदरगाह इसका नाम रखा गया, ठीक है। और इसको मछली बंदरगाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए, साप्ताहिक कंटेनर यहीं से USA के लिए जाती है, साप्ताहिक कंटेनर जो है यहीं से USA जाता है। और इसी चेन्नई में हम लोग देखेंगे, चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच की जो दूरी है 434 मील हो जाता है, है ना, 434 मील हो जाता है इसके बीच की दूरी। यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि तूतीन बंदरगाह, है ना, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है, ये पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसका क्या नाम रखा गया, तो चिदंबनारा बंदरगाह हो जाता है, और मछली बंदरगाह के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है चेन्नई बंदरगाह, और चेन्नई बंदरगाह भी आपको तमिलनाडु में ही पड़ेगा, चेन्नई बंदरगाह ये भी आपको तमिलनाडु में ही पड़ेगा। देखिए BPSC के लिए, BPSC बिहार जो BPSC का जो शिक्षक है, टीचर भर्ती का जो एग्ज़ाम लेने जा रहा है, है ना, BPSC टीचर 3.0 या 4.0 के लिए, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग, और ये सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। चेन्नई बंदरगाह हम लोग देखेंगे, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, पूछा जा सकता है आपसे, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन हो जाता है, तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह आपको चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। इसी बंदरगाह के तट से समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है, पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा बंदरगाह है जहां से समुद्र तल की ऊंचाई मापी जाती है, तो यही आपका चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। अगला, भारत का सबसे ऊंचा बंदरगाह यही हो जाता है, चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे ऊंचा बंदरगाह है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
और यही चेन्नई बंदरगाह खुला बंदरगाह है, यह एकदम खुला बंदरगाह है और सबसे प्राचीन बंदरगाह के नाम से भी हम लोग चेन्नई बंदरगाह को जानते हैं। इसीलिए ये भी अब आपके लिए बहुत VVI हो जाएगा। सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह, सबसे पुराना। अगला दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाता है कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? चेन्नई बंदरगाह। इस बंदरगाह से बर्किंगम नहर क्या है? जुड़ा हुआ है। इसी बंदरगाह से बर्किंगम जो नहर है जुड़ा हुआ है, ये पूछा जा सकता है। इसमें इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट हुआ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एन्नौर बंदरगाह देखते हैं, है ना। एन्नौर बंदरगाह भी आपको तमिलनाडु में ही स्थित है। एन्नौर बंदरगाह भी आपको तमिलनाडु में स्थित हो जाता है, है ना। एन्नौर बंदरगाह की बात करें तो एन्नौर और चेन्नई के बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो जाता है। एन्नौर से चेन्नई के बीच की दूरी आपको 20 किलोमीटर है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा, इसमें क्या इम्पॉर्टेंट सबसे मतलब फैक्ट है, तो यह भारत का पहला कंप्यूटरकृत एवं प्राइवेट बंदरगाह है। इसीलिए यह बंदरगाह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एन्नौर बंदरगाह जो है भारत का पहला कंप्यूटरकृत और प्राइवेट बंदरगाह हो जाता है, ये पूछा जा सकता है। इसका एक और उपनाम है, एन्नौर बंदरगाह को कामराजर बंदरगाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एन्नौर बंदरगाह, इसको कामराजर बंदरगाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यह बंदरगाह ABO के सहयोग से खोला गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको आगे देखा जाए। और ये है विशाखापत्तनम, है ना, विशाखापत्तनम हम लोग देखेंगे। देखिए विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हो जाता है। विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका उपनाम है बिजाद। हालांकि देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज लोग विशाखापत्तनम का सही से उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसीलिए उन लोगों ने विजाग नाम रखा, है ना, विजाग नाम रखा। और भारत यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के यहाँ से जाने के बाद भी लोग यही नाम पुकारते रह गए, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी है विशाखापत्तनम को हम लोग दूसरा नाम विजाग के नाम से भी जानते हैं। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन है भारत का, तो यही विशाखापत्तनम या विजाग बंदरगाह हो जाता है, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन हो जाता है? भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह यही विशाखापत्तनम हो जाएगी, ठीक है। डॉल्फिन नोज पर्वत इसकी सुरक्षा करता है। पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन नोज कौन ऐसा बंदरगाह है जिसका डॉल्फिन नोज सुरक्षा घेरे की भांति काम करता है, तो यही हो जाएगा विशाखापत्तनम। और हिंदुस्तान शिपयार्ड भी यहाँ स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी लोहे की खान वेलाडिला से निकलने वाला लोहा विशाखापत्तनम से निर्यात किया जाता है, इसीलिए ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी लोहे की खान वेलाडिला से निकलने वाला लोहा विशाखापत्तनम से निर्यात किया जाता है, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। आगे है हमारा, ये देखिए पारादीप हो जाता है ना। और ये पारादीप आपको उड़ीसा में है, यह जो पारादीप है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का यह बंदरगाह है पारादीप, और यह भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का यह दूसरा, है ना, दूसरा गहरा बंदरगाह हो जाता है। भारत का दूसरा गहरा बंदरगाह पारादीप से लोहे का निर्यात जापान के लिए होता है, है ना। यही पारादीप जो उड़ीसा में है, यही से लोहे का जो निर्यात है जापान के लिए किया जाता है, यही इसी बंदरगाह से। पारा जो बंदरगाह आप देख रहे हैं जो उड़ीसा में स्थित है, जो भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे हल्दिया बंदरगाह जो वेस्ट बंगाल में है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। देखिए इसको भारत का समुद्री प्रवेश द्वार कहा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। भारत का समुद्री प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको? हल्दिया बंदरगाह को। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं।
हालांकि बीपीएससी के द्वारा बहुत बार यह प्रश्न यहाँ से पूछने की कोशिश किया गया, दो चार प्रश्न तो जरूर पूछा गया। यहाँ पे डायमंड हार्बर पूर्व का लंदन श्याम प्रसाद मुखर्जी इसको कहा जाता है ना। हल्दिया बंदरगाह को देखेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी आप जानते हैं, पूर्व का लंदन भी इसे कहा जाता है और डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। इसलिए आपके लिए यह जो पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत वीवीआई हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से। देखिए सर्वाधिक जूट का जो निर्यात है, है ना, इसी बंदरगाह से किया जाता है। अगर हम लोग देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक जो जूट है, भारत में सर्वाधिक जूट वो आपको पश्चिम बंगाल में ही उत्पादन किया जाता है ना। अगर हम लोग बिहार में बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है, तो ये देखिए पूर्णिया हो जाएगा, है ना, ये बिहार में हो जाता है। ठीक है, और ये बीपीएससी में बहुत बार सवाल पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है भारत में, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और बिहार में कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है, तो पूर्णिया हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपको बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, ये पूछा जा सकता है। अगला देखिए, सर्वाधिक जूट का निर्यात होता है और यह हुगली नदी बंदरगाह है। ठीक है, क्या है, हुगली नदी बंदरगाह हो जाता है। और ये जो सवाल है आपके लिए बहुत वीवीआई है, बीपीएससी बहुत बार पूछा है, इलाहाबाद से हल्दिया तक जो जाता है उसको हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग एक कहते हैं, है ना। इलाहाबाद से जो हल्दिया जाने का जो नौयान का जो रास्ता है उसको हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग एक कहते हैं। और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो दूरी है 1620 किलोमीटर हो जाता है। इसलिए इसे ज़रूर आप लोग रट लीजिए, याद करिए, है ना, इलाहाबाद से हल्दिया यह राष्ट्रीय जलमार्ग एक हो जाता है, पूछा गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ मिसलेनियस देख लिया जाए, है ना, मिसलेनियस देखते हैं, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पॉलिटिकल कुछ करेंगे जहाँ से प्रश्न बनता है बीपीएससी के लिए। ठीक है, सबसे सस्ता मार्ग किसको कहते हैं, जैसे रेल मार्ग हो जाता है, उसके बाद वायु मार्ग हो जाता है, थल मार्ग हो जाता है, लेकिन सबसे जो सस्ता मार्ग है वो आपका जल मार्ग हो जाता है, है ना। भारत का रसायन बंदरगाह किसको कहते हैं, तो भारत का रसायन बंदरगाह दाहेज बंदरगाह को कहते हैं, जो गुजरात में है, याद रखिएगा, है ना, गुजरात में है। अगर इसको अच्छा से हम लोग करें इस ज्योग्राफी को, तो जितने भी सवाल चाहे 20 का 20 सवाल अगर आपसे पूछता है तो बनेगा। अगर अच्छे से आप कर लीजिए तो जितने अच्छे तरीके से इसको आदमी करेगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का एक निचोड़ हो जाता है ना। तो वहाँ से हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। रसायन बंदरगाह के नाम से किसको जानते हैं, दाहेज को जानते हैं, जो गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा पुनः चक्रण बंदरगाह यार्ड जो है अलंग बंदरगाह हो जाता है, ये भी आपको गुजरात में है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे है, गोवा में हो जाता है ना। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे है, गोवा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ हो जाता है, कलकत्ता हो जाएगा। केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कलकत्ता हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय देशीय जलमार्ग निगम कहाँ पे, नोएडा में हो जाएगा। और भारत का सबसे छोटा बंदरगाह, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत वीवीआई है, है ना। भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे, दक्षिण अंडमान में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने टोटल बंदरगाह को, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, जो सवाल पूछने वाला संभावित जो प्रश्न बनते थे, है ना, यहीं से पूछा जाएगा। इसलिए जो भी था सब कंप्लीट करवाया गया, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, अगर एक प्रश्न पूछता है या दो प्रश्न बनता है तो आप पक्का बना दीजिएगा, 100% बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को थोड़ा सा लाइक कमेंट्स भी करा करिए, लाइक और कमेंट्स करिए, ताकि एनर्जी बना रहे। और जितना भी टॉपिक बनता है आपकी एग्ज़ाम के लिए एकदम वीवीआई, वो हम आपको करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और थोड़ा सा शेयर भी करिए आप लोग, है ना। तो जय हिंद, जय भारत।